आप सुन रहे हैं सहकार रेडियो पर विचार यात्रा, प्रगतिशील विचारों की अंतहीन श्रृंखला। श्रोताओं नमस्कार, सहकार रेडियो पर विचारों का आज का सफर आप करेंगे अपने दोस्त पवन के साथ। आज हम आपके लिए लाए हैं प्रबोधन काल यानी जागरण काल के फ्रांसीसी दार्शनिक देनी दिदेरो के विचार, जो कि दुनिया की महान सच्चाइयों के विरोध में खड़े शासकों सत्ता वर्ग के लोगों की असली तस्वीर को उजागर करते हुए ये समझाने की कोशिश करते हैं कि हमें सरकारों या शासकों के झूठे प्रचार तंत्र से बचकर रहना चाहिए। हो सकता है कि एक समय सत्य को दबा दिया जाए, लेकिन ये कभी संभव नहीं कि सत्य को हमेशा दबाकर रखा जा सके। आइए सुनते हैं इस बारे में देनी दिदेरो क्या कहते हैं। कोई झूठ तात्कालिक रूप से उपयोगी हो सकता है, लेकिन दूरगामी रूप से वो अनिवार्यतः हानिकर होता है। इसके विपरीत सच्चाई दूरगामी रूप से अनिवार्यतः भला ही करती है, चाहे तात्कालिक रूप से वो हानिकर ही क्यों ना हो। इससे मैं ये निष्कर्ष निकालने के लिए बाध्य हूँ कि जीनियस व्यक्ति जो एक प्रचलित भूल को उजागर करता है या जो एक महान सत्य को स्थापित करता है, हमारी श्रद्धा के योग्य है। हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति पूर्वाग्रहों और कानून का शिकार बन जाए, लेकिन कानून भी दो तरह के होते हैं। कुछ निरपेक्ष रूप से समतावादी और सार्वभौमिक होते हैं और दूसरे प्रकार के कानून मनमाने होते हैं, जिनका प्राधिकार केवल अंधता या परिस्थितियों की शक्ति पर निर्भर होता है। ये दूसरे प्रकार के कानून इनका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति का केवल क्षणिक निरादर करते हैं, एक ऐसा निरादर जिसे समय उलटकर न्यायाधीशों और राष्ट्रों के ही ऊपर हमेशा के लिए थोप देता है। आज कौन निरादर का शिकार है, सुकरात या वो जज जिसने उन्हें जहर पीने का आदेश दिया था? तो श्रोताओं, सहकार रेडियो पर विचारों के सफर में आज आप थे महान फ्रांसीसी दार्शनिक देनी दिदेरो के विचारों के साथ। उम्मीद है ये विचार आपको इस बारे में सोचने पर मजबूर करेंगे कि वास्तव में सत्य क्या है, और शायद आप ये समझ पाएं कि हर बार सत्य वो नहीं होता जिसे आपको परोसा जाता है, उसमें तो झूठ की मिलावट होने की पूरी संभावना है। इसलिए सत्य खोजने के लिए आपको थोड़ा कष्ट तो उठाना ही पड़ेगा और झूठ से थोड़ी दूरी भी बनानी पड़ेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नए विचारों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत अपने दोस्त पवन को। अलविदा दोस्तों। आप सुन रहे थे सहकार रेडियो पर विचार यात्रा। हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारा फेसबुक पेज लाइक करें। सहकार रेडियो के कार्यक्रम सीधे अपने व्हाट्सएप अकाउंट पर पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप अकाउंट नंबर 9617226783 पर अपना नाम और संक्षिप्त पता लिखकर भेजें। तो सुनते रहिए सहकार रेडियो।